पौड़ी के सर्किट हाउस मोहल्ले में नए बस अड्डा जो कि खाली पड़ा है, यहाँ पर इसका शादी विवाहों में यूज़ होता है, तो यहाँ पर एक गैराज यहाँ पर है जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ठीक होती हैं। और मेरे साथ खड़े हैं गैराज के मालिक और गैराज मेरे साथ प्रहलाद है, और आपका नाम क्या है? मुकेश। और मुकेश मेरे साथ हैं जो यहाँ पर एक गैराज का काम करते हैं। और यहाँ पर ये एक जुगाड़ हेलीकॉप्टर के को बनाने की 2 से 3 लाख रुपए की लागत से ये हेलीकॉप्टर ये बनाना चाह रहे हैं, और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं, जो आपको हम अभी विजुअल्स में दिखाएंगे कि इसका इंजन अभी काम कर रहा है, लेकिन कुछ और कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में। चलिए आपको दिखाते हैं छोटी सी रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और ये जो हेलीकॉप्टर आप बना रहे हैं इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि क्या क्या पार्ट्स इसमें लगे हैं और क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मेरा नाम प्रहलाद नेगी है, मैं यहाँ पौड़ी गढ़वाल और देवचौरी का रहने वाला हूँ। तो ये जो मैं हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ, ये एक मिनी हेलीकॉप्टर है। तो इसमें जो पार्ट्स लग गए, एक तो सबसे पहले है जो हमारी है, एक बाइक का जो 150 का पल्सर का इंजन लगा हुआ है इसमें, तो उसके लिए मैं, उसके बाद जब इसकी जो इसकी दूसरी इसमें जो रोटेट होती है, इसका जो रोटेट का सिस्टम होता है वो सीधा होता है, उसके लिए मैंने फिर डिफरेंसर बनाया। डिफरेंसर पे जो सिस्टम होता है वो डायरेक्शन उसका चेंज करता है। उसके बाद डायरेक्शन चेंज करने के बाद मैंने उसमें एक टेल रोटर हो गई हमारी। तो टेल रोटर है, ये विंग्स है, टेल रोटर के विंग्स है। तो इसमें इसको चेंज करके, क्योंकि यहाँ सामान तो हमें अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसमें कुछ नया कुछ चेंज किया। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सिस्टम को चेंज करने के बाद फिर उसके बाद उसमें थोड़ा और परिवर्तन किया। इसमें जो गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम जो इस जो बाइक का जो गियर सिस्टम होता है वो पैर पे होता है, हमने हैंड पे कर रखा है इसको। और इनका जो क्लच सिस्टम होता है, क्लच भी नीचे यहाँ पैर पे कर रखा है। अच्छा, तो ये गियर है ये वाला? जी जी, ये गियर है। हाँ, अच्छा, ये आपने गियर बनाया, कितने गियर है इसमें? इसमें 5 गियर है। और क्लच आपने बताया, ये आपने साइकिल के पैडल से क्लच बनाया? जी, साइकिल के पैडल से क्लच है, और ये एक्सीलेटर है इसका। अच्छा, ये एक्सीलेटर है पैर पे? जी जी जी। अच्छा, इसके लिए आपने कुछ स्टडी करी, कुछ इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? सर, स्टडी तो नहीं करी हमें, मैं एक्चुअल में ये 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का काम करता हूँ, तो हमें थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से नॉलेज होता है करते करते धीरे। तो कुछ यही था माइंड में कि कुछ हटके करें, मतलब करते रहे हम गाड़ियों काम तो साला जिंदगी भर करना, लेकिन उसके सोच के विचार से कुछ हटके करें गैरेज में, तो थोड़ा काम को थोड़ा परिवर्तन करें उस चीज़ में। अच्छा, ये आपका फ्यूल टैंक है, स्प्राइट की बोतल? जी जी जी। तो आप तेल यहाँ पे भरते हैं? जी जी जी। अच्छा, और ये सारे स्विचेस वगैरह जो आपने दे रखे हैं किस किस चीज़ के? ये सर, ये स्टार्टर स्विच है इसमें सारे। तो अभी इसमें कोई डिफरेंट नहीं किया, खाली स्टार्टर के लिए कर रखा है ये सिस्टम। अच्छा, और इसमें अभी आपके हेलीकॉप्टर में कितना खर्चा आ गया और कितना बाकी है? सर, अभी जो लागत लगी होगी इसमें 30-40 हज़ार तक, मैक्सिमम 30-40 हज़ार तक इसमें लागत लगी होगी अभी, जो किया हमने खर्चा इसमें। लेकिन अभी तक इसके बाद जो इसके बाद जो खर्चा आएगा इसमें, मैक्सिमम इतना तो मुझे है कि पता, 2.5 और 2.5 के बीच में मैक्सिमम इसमें खर्चा आएगा इसको करने में, कंप्लीट करने में। मेरे माइंड में सर यही था कि जिस प्रकार आप खुद ही देख लो, आज जो बाइक की कॉस्ट है वो मैक्सिमम 2.5 और 3 लाख के बीच में आ रही है। तो मेरे माइंड में यही था कि मैं 2.5-3 लाख तक एक छोटा एक मिनी हेलीकॉप्टर खड़ा कर सकते, ना तो दम था मेरे अंदर, लेकिन यही था कोई मेरे पीछे खड़ा हो जाए, ये कहते तू इस काम को कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए कोई पीछे खड़ा हो जाए मेरा। तो आपका, अगर आप बुरा ना माने, अगर इसे हम एक जुगाड़ हेलीकॉप्टर बोले? जी जी जी। तो आपके जुगाड़ हेलीकॉप्टर के उड़ने में कितना समय अभी और कितनी लागत और है? सर, करीब 1.5 साल, अगर 1.5 साल के अंदर मैं इसको तैयार कर सकता हूँ, लेकिन कोई होगा पीछे, अगर कोई आदमी का मेरे पीछे खड़ा हो सकता है तैयार, मतलब मेरे पीछे खड़ा हो जाएगी तो कर, क्योंकि मेरी इतनी वो नहीं है ना, हिम्मत आ गई इसके आगे कि मैं इसको इतना खर्चा इस पर कर सकूँ। और इस हेलीकॉप्टर के क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको क्या लगता है, और कितना सफल होगा ये? सफल तो हो जाएगा सर, सफल तो 100% मेरे अंदर इतनी है एवरेज क्षमता है कि मैं इसे तैयार कर सकता हूँ, वो मेरे अंदर है इस चीज़ की क्षमता कि मैं इसे तैयार कर सकता हूँ। फ़ायदा तो सर यही है कि जब इतनी कॉस्ट में जब बाइक आ सकती है, हेलीकॉप्टर आएगा, तो लोगों के लिए बहुत फ़ायदे सुविधा मिल जाएंगी। बटन 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 बटन
बटन दब गया तुमसे। अरे बटन दब गया।